हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं गोलगप्पा के लिए दो तरह का पानी, जिसके लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक बड़ी कटोरी पुदीना पत्ती, जिसको मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और पानी निकल सुखा लिया है। आधी कटोरी धनिया पत्ती, मैंने पुदीना का आधा धनिया लिया है। 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 2 बड़ा चम्मच इमली का पल्प, 1/3 कटोरी चीनी। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, उसमें डालेंगे पुदीना की पत्ती, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर हम इसे पीस लेंगे। पुदीना और धनिया को पीस लिया है, यह देखिए बहुत बारीक पेस्ट बना है इसका। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच पुदीना और धनिया की जो चटनी हमने पीसी है वो डालेंगे। अमचूर पाउडर, यह हम खट्टी वाली चटनी बना रहे हैं। अमचूर पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं। मैं 1/2 लीटर पानी डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच बूंदी डाल देंगे। ये हमारा खट्टा पानी तैयार हो गया। अब हम मीठा पानी बनाएंगे। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और दूसरा बॉल लेंगे। इसमें भी हम 4 से 5 बड़े चम्मच चटनी डालेंगे। 5 चम्मच लिया है मैंने, 4 बड़े चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हम अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इमली का गूदा 2 बड़े चम्मच और इसको मिला लेंगे अच्छे से। चीनी इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसे भी मैं 1/2 लीटर बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। इसमें भी हम 2 बड़े चम्मच बूंदी का डालेंगे। यह मीठा पानी भी तैयार हो गया है। अगर आपको मीठे पानी का कलर लाल चाहिए तो इसमें कुछ बूंद लाल कलर का मिला सकते हैं। मैंने इसमें कलर नहीं मिलाया है। गोलगप्पा के लिए दोनों तरह का पानी तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।